Hello everyone, I am Sanjay Gupta from Civil Department. Today our topic is based on composing system. तो हमारा जो subject है MOS, उसका एक topic है composing system. ये composing system होता क्या है? The system which is formed by two or more than two material is called composing system. जैसे कि हमारा जो सपोर्ट होता है, कंपोजिंग सिस्टम में क्या होता है, विच इज फॉर्म्ड बाय टू और मोर देन टू मटेरियल. ठीक, तो हमारा जो सपोर्ट रहेगा वो दो से ज्यादा रहेगा और अलग अलग मटेरियल का रहेगा. ठीक, अब जैसे कि इसमें देखते हैं, ये हमारा एक कंपोजिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर है. इसमें क्या है, ये जो पार्ट है ये क्या है, लोड है P. ठीक, ये जो पार्ट क्या है, लोड P है और इसमें दो रोड लगे हुए हैं. पहला कौन सा है, स्टील रोड, ये वाला पोर्शन, ये वाला, और सेकंड वाला कौन सा है, एल्यूमिनियम रोड. ठीक, और ये क्या है नीचे में, ये है हमारा सपोर्ट. तो इन दोनों रोड के ऊपर क्या लग रहा है, लोड. ठीक, और ये दोनों का मटेरियल क्या है, डिफरेंट है. एक क्या है, स्टील है, और दूसरा एल्यूमिनियम है. तो द सिस्टम विच इज फॉर्म बाय टू और मोर देन टू मटेरियल्स, दो मटेरियल है यहाँ पास. ठीक, अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से कंडीशन अप्लाई होते हैं. व्हेन लोड इज अप्लाइड ऑन कंपोज सिस्टम then elongation of compression generated in the system is must be same, means we can say that the strength produced in each material is must be same. मतलब जब हम कोई लोड P लगा रहे हैं, ठीक है, तो जब हम कोई लोड P लगा रहे हैं तो इसकी वजह से स्ट्रक्चर में, हमारी स्ट्रक्चर में होने वाला कंप्रेशन और एलोंगेशन, कंप्रेशन मतलब अंदर की ओर ढकेलना और एलोंगेशन का मतलब लेंथ इंक्रीज होना. ठीक, बाहर की ओर खींचना या लेंथ इंक्रीज होना, जिसको हम लोग स्ट्रेस में देख चुके हैं. तो ये दोनों जब कंडीशन आएगा कंप्रेशन और एलोंगेशन का, ये क्या होगा, दोनों मटेरियल में, स्टील रोड और एल्यूमिनियम रोड, दोनों में क्या होगा, सेम होगा. किसमें, कंपोजिंग सिस्टम में. ठीक है, मीन्स वी कैन से दैट The strength produced in each material is must be same. मतलब अगर यहाँ ये स्टेबल बना हुआ है हमारा P लोड का कोई मटेरियल, ठीक, हमारा जो ये जो मटेरियल यहाँ पास है P लोड का, ये यहाँ पास स्टेबल बना हुआ है, इट मीन्स जो स्टील रोड और एल्यूमिनियम रोड है, ठीक है, ये दोनों जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं इस स्ट्रक्चर को, इस पूरे स्ट्रक्चर को, ये क्या है, L है, और ये क्या है, डेल L है. ठीक, अब इस पूरे स्ट्रक्चर को ये दोनों रॉड जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या होगा, दोनों में सेम होगा. ठीक, इसके बाद क्या है, सेकेंडरी कंडीशन, द लोड अप्लाइड सिस्टम इज शेयर्ड बाय ईच मटेरियल. मतलब ये जो लोड अप्लाई हो रहा है इस स्ट्रक्चर में, ये क्या हो रहा है, दोनों मटेरियल के द्वारा शेयर किया जा रहा है. मान लेते हैं कि अगर इस P का मान 10 किलो न्यूटन होता है, ठीक, तो कंपोजिंग सिस्टम में क्या होगा, जो स्टील रोड है ये क्या करेगा, इस पे जितना अप्लाई लोड होगा P, सेम किस में होगा, इसमें भी होगा. ठीक, अगर ये 10 किलो न्यूटन है तो 5 किलो न्यूटन क्या करेगा, बाहर ये सहेगा 5 किलो न्यूटन, और 5 किलो न्यूटन कौन सहेगा, एल्यूमिनियम रोड. ठीक, द लोड अप्लाइड सिस्टम इज शेयर्ड बाय ईच मटेरियल, मतलब मटेरियल दोनों से अलग अलग है. ठीक है, ये एक स्टील है, दूसरा एल्यूमिनियम है,
लेकिन सपोर्ट में जब उसके ऊपर लोड अप्लाई हो रहा है तो उस लोड को क्या कर रहे हैं, दोनों को ही बराबर बराबर शेयर कर ले रहे हैं, ठीक है, जिससे इसको स्ट्रेंथ मिल रहा है, किसको, अब हमारे स्ट्रक्चर को, कंपोजिंग सिस्टम को। तो इसके आगे हम इसका डेरिवेशन देखेंगे कंपोजिंग सिस्टम का, जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, वी हैव अ कंपोजिंग सिस्टम consisting a steel rod and aluminium rod of common length of कॉमन लेंथ, लेंथ क्या है, लेंथ है हमारा एल, इसका भी, इसके लिए भी एल है और इसके लिए भी एल है, ठीक, एल। और इस पे जो लोड लग रहा है सपोर्टिंग a load of magnitude 2 P, ठीक। तो अब देखते हैं, लेट इसमें क्या क्या होगा, हमारे कंपोजिंग सिस्टम में एक डैंक एस होगा, जो क्या होगा, एरिया ऑफ स्टील रॉड, उसके बाद क्या होगा, सॉरी डेली ए है, स्मॉल एक, ये क्या होगा, एरिया ऑफ एल्यूमिनियम रॉड, और क्या होगा, यस, ये क्या होगा, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील, उसके बाद क्या होगा, ये क्या होगा, यंग मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक। तो हम अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, सो टोटल लोड कैलकुलेट करने के लिए, किसके लिए, टोटल लोड। तो टोटल लोड क्या होगा, जो इस कंपोजिंग सिस्टम में जो टोटल लोड है वो कितना होगा, लोड ऑन स्टील रॉड प्लस और किसका, लोड ऑन एल्यूमिनियम रॉड,
ठीक। इट मीन्स टोटल लोड हमारा क्या था, पी इज इक्वल टू लोड ऑन स्टील रोड। तो लो क्या है लोड ऑन स्टील रोड, क्या होगा आपका, मान लेते हैं लोड ऑन स्टील और लोड ऑन एल्यूमिनियम रोड क्या होगा, प्लस पी ए लोड ऑन एल्यूमिनियम रोड। पी इज इक्वल टू पी क्या है, टोटल लोड है हमारा, ये जो क्या है ये टोटल लोड है, और पी एस क्या है स्टील के लिए है स्टील का लोड, और पी ए क्या है लोड ऑन एल्यूमिनियम रोड। ठीक है, मतलब स्टील के रोड के ऊपर जो लोड पड़ रहा है वो प्लस एल्यूमिनियम सपोर्ट के, एल्यूमिनियम रोड का जो सपोर्ट है उसके ऊपर जो लोड पड़ रहा है वो, इन दोनों को मिला के क्या होगा हमारा टोटल लोड कैलकुलेट हो जाएगा। तो हमने स्ट्रेस का फॉर्मूला जो देखा था, जो स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए। ठीक है, तो सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए, तो स्टील के लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा एस इज इक्वल टू पी एस अपॉन ए एस। तो यहां से अपने को क्या चाहिए, पी एस का वैल्यू चाहिए, किसका, पी एस का। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इस ए एस को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो क्या होगा ये पी एस इज इक्वल टू सिग्मा एस ए एस एज इट इज। जो पी एल्यूमिनियम के लिए रहेगा वो क्या क्या होगा, पी ए एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन, सॉरी सिग्मा ए एल अपॉन ए एल। तो अपने को क्या चाहिए, पी ए एल चाहिए, तो क्या होगा, पी ए एल इज इक्वल टू सिग्मा ए एल प्लस एरिया ए एल। ठीक, तो अब हमारे को यहां से क्या मिल गया, पी एस का वैल्यू फाइंड हो गया इसका, और क्या मिला हमको, लोड ऑन एल्यूमिनियम रोड फाइंड हो गया। ठीक, तो हमारा ये जो वैल्यू है, ठीक, इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में। तो ये क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू सिग्मा एस ए एस प्लस सिग्मा ए एल, सॉरी यहां पास प्लस आ गया था, जो प्लस नहीं होगा, सिग्मा ए एल इंटू एरिया ऑफ ए एल। ठीक, तो ये क्या है, ये हमारा जो डेरिवेशन है टोटल लोड ये हमने निकाल लिया है। अभी हमने देखा टोटल लोड निकालने का, तो इसके आगे और का क्या कंडीशन अप्लाई होगा इसमें, इसमें जो स्ट्रेन लगेगा वो क्या होगा, वो दोनों मटेरियल में सेम होगा, तो स्ट्रेन इन सेम इन बोथ मटेरियल। ठीक है, तो स्ट्रेन क्या होता है अपना, हमारा स्टील के लिए ईएस इज इक्वल टू ए एल। ठीक, तो क्योंकि सिग्मा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ, ठीक, तो इसमें से इस मॉल का मान क्या निकलेगा, सिग्मा अपॉन कैपिटल ई। ठीक है, अब
इस वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो ई एस के जगह क्या हो जाएगा, ये जो सिग्मा अपॉन ई है वो क्या हो जाएगा, सिग्मा एस अपॉन ई एस इज इक्वल टू ई एल के जगह क्या हो जाएगा, सिग्मा ए एल अपॉन ई ए एल। ठीक, तो ये जो डेरिवेशन था ये हमारे का कंपोजिंग सिस्टम का, जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।